हे गाइस, वेलकम टू द एंड्रॉइड गाइड चैनल। एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको मीडियाटेक का डिमेंसिटी 9000 को कंपेयर करने वाला हूँ गूगल टेंसर चिपसेट के साथ। ये दोनों चिपसेट जो है वो 5G रेडी हैं और दोनों ही जो है वो एक फ्लैगशिप ग्रेड के फ़ोन्स के साथ आने वाले हैं मार्केट में, और दोनों ही चिपसेट जो है वो काफ़ी प्रॉमिसिंग है। तो यहाँ पे जो है मैं आपको इन दोनों प्रोसेसर को कंपेयर कर बताने वाला हूँ कि इन दोनों में आपको क्या क्या सिमिलैरिटीज़ मिलते हैं, क्या क्या डिफरेंसेज मिलते हैं, कौन सा चिपसेट के साथ आपको फ़ोन जो है वो परचेस करना चाहिए अगर आप जो है कन्फ्यूज हैं गूगल टेंसर और मीडियाटेक के डिमेंसिटी 9000 में। सो गाइस, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बट उससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तब आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं आर्किटेक्चर से। तो यहाँ पे मीडियाटेक के डिमेंसिटी 9000 से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको 1x3.05 GHz पे कॉर्टेक्स X2 मिलता है, 3x2.85 GHz पे कॉर्टेक्स A710 मिलता है एंड 4x1.8 GHz पे कॉर्टेक्स A510 मिलता है। वहीं गूगल टेंसर के आर्किटेक्चर पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको 2x2.8 GHz पे कॉर्टेक्स X1 मिलता है, 2x2.25 GHz पे कॉर्टेक्स A76 मिलता है एंड 4x1.8 GHz पे कॉर्टेक्स A55 मिलता है। कोर्स जो है आपको दोनों ही में 8 कोर्स मिल जाते हैं। CPU फ्रिक्वेंसी जो है आपको डिमेंसिटी में 3050 MHz का मिलता है एंड गूगल टेंसर में 2800 MHz का मिलता है। जो प्रोसेस टेक्नोलॉजी है वो आपको डिमेंसिटी 9000 में 4 नैनोमीटर का मिलता है एंड गूगल टेंसर में 5 नैनोमीटर का मिलता है। तो यहाँ पर आपको 1 नैनोमीटर जो है वो बड़ा साइज मिलता है। अगर GPU देखा जाए तो यहाँ पे आपको डिमेंसिटी 9000 में माली का G710 MC10 मिलता है एंड गूगल टेंसर में माली का G78 MP20 मिलता है। यहाँ पे GPU फ्रीक्वेंसी देखा जाए तो यहाँ पे आपको डिमेंसिटी 9000 में 850 MHz का जो आपको GPU फ्रीक्वेंसी मिलता है एंड गूगल टेंसर में 848 MHz का GPU फ्रीक्वेंसी मिलता है। मेमोरी टाइप जो है आपको डिमेंसिटी 9000 में LPDDR5X सपोर्ट करेगा एंड गूगल टेंसर में LPDDR5 सपोर्ट करेगा। जो मेमोरी फ्रीक्वेंसी है वो आपको डिमेंसिटी 9000 में 3750 MHz का फ्रीक्वेंसी मिलता है एंड गूगल टेंसर में 3200 MHz का फ्रीक्वेंसी मिलता है। स्टोरेज टाइप में आपको दोनों ही में UFS 3.1 का सपोर्ट मिलता है एंड वाईफाई में आपको दोनों ही में Wi-Fi 6 मिलता है। जो ब्लूटूथ वर्जन है वो आपको डिमेंसिटी 9000 में 5.3 मिलता है, Bluetooth 5.3 एंड गूगल टेंसर में Bluetooth 5.2 मिलता है। सो गाइस, ये तो हो गया इन दोनों के स्पेक्स वगैरह कैसे हैं। अब बात करते हैं कि अगर दोनों के साथ जो है वो कंपैरिजन किया जाए तो CPU परफॉर्मेंस कैसा होता है इन दोनों का, उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन दोनों का CPU परफॉर्मेंस कैसा है। गेमिंग परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं इन दोनों का, बैटरी लाइफ आप देख सकते हैं इन दोनों चिपसेट का, नैनो रिव्यू स्कोर देख सकते हैं, N22 स्कोर देख सकते हैं आप इन दोनों चिपसेट का, Geekbench स्कोर देख सकते हैं आप इन दोनों चिपसेट का। सो गाइज, यहाँ पे कंपेयर करने के बाद आप क्लियरली विजिबल हो चुका है कि इन दोनों को कंपेयर करने के बाद मीडियाटेक का डिमेंसिटी 9000 जो है वो काफ़ी बेहतरीन वर्क कर रही है। परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है इसका और ऊपर से इसमें बैटरी लाइफ भी जो है वो आपको बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। बैकअप वगैरह में कोई भी इशू नहीं होगा। गेमिंग सब कुछ में जो है वो मीडियाटेक का डिमेंसिटी 9000 जो है वो ऊपर निकल कर आ रही है। सभी में उनके पॉइंट्स जो है वो ज़्यादा हैं। सो गाइज, अगर आपको एक फ़ोन परचेस करना है जिसमें आपको अच्छा फ्लैगशिप ग्रेड का प्रोसेसर हो और बहुत अच्छे से वर्क वगैरह करे गेमिंग में और बैटरी लाइफ वगैरह में, तो आप जो है वो मीडियाटेक का डिमेंसिटी के साथ जा सकते हैं, ना कि गूगल टेंसर के साथ। सो गूगल भी जो है अभी चिपसेट के मार्केट में नया आया है, धीरे धीरे इनका भी चिपसेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा सुधार में आएगा। इन फ्यूचर आपको और अच्छे चिपसेट जो है गूगल की तरफ से देखने को मिलेंगे, बट अभी जो है वो इन कंपेयर टू डिमेंसिटी 9000 ये जो है वो ज़्यादा बेहतरीन वर्क कर रहा है। सो गाइज, अगर आपको मेरे ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो नीचे कमेंट करें, मैं आंसर ज़रूर दूंगा।